मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड में हमने क्वेश्चन आंसर किए। आज हम आग और हवा, आपने देखा कि किस तरह से अकबर ने अपने दो चापलूस मंत्रियों को आग और हवा लाने के लिए कहा, जिसमें विफल हो गए और अंत में हताश और निराश होकर उन्हें किसके पास जाना पड़ा, बीरबल के पास। बीरबल ने ही उन्हें उपाय बताया कि किस तरह से वे आग और हवा को डिब्बे में, मतलब कि कागज़ का पंखा एक उन्होंने बनाया और हवा को एक डिब्बे में बंद कर लिया, अर्थात कागज़ के पंखे को, और दूसरे डिब्बे में लालटेन, मोमबत्ती, माचिस आदि का चित्र बना करके एक डिब्बे में बंद कर लिया। इस तरह से वो आग और हवा को बंद करके अकबर के पास लेकर पहुँचे। आज हम इसी पाठ के देखेंगे, क्या आज हम इस पाठ के खाली स्थान करेंगे। तो देखिए, लिखिए पाठ, ठीक आस आती है थर्ड, ओके। देखिए प्रश्न है खाली स्थान भरिए, खाली स्थान भरिए। तो आज हम इस पाठ के खाली स्थान देखेंगे। फर्स्ट नंबर पर है, अकबर ने ताड़ लिया, अकबर ने ताड़ लिया, अकबर ने ताड़ लिया, हाँ कि ये चटुकारिता भी होता है। दोनों दरबारी, दूसरा लिखिए, दोनों दरबारी बात सुनकर, बात सुनकर रह गए। क्या रह गए? इसमें हम भरेंगे बहुत चक्के, बहुत चक्के रह गए। अगला देखिए थर्ड नंबर, उन्होंने वो सारी घटना कह सुनाई, कहाँ गए थे वो दोनों, उन्होंने भोजन के बाद अंडरलाइन करें, उन्होंने को सारी घटना कह सुनाई। किसको उन्होंने ये घटना कह सुनाई, इसे ई लिखेंगे, कह सुनाई। किसको उन्होंने सारी घटना सुनाई थी, बीरबल, बीरबल। हम बीरबल पर अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ नंबर देखिए, हमें अगला फोर्थ नंबर क्या है, हमें यह
बीरबल ने बताया, क्या बीरबल ने उनको बताया था? हमें यह उपाय बीरबल ने बताया है। हमें यह उपाय बीरबल ने बताया। इसमें आप उपाय पर अंडरलाइन करेंगे। फिफ्थ नंबर, चापलूसी किसी भी काम का हल, चापलूसी किसी भी काम का हल नहीं है। अर्थात चापलूसी करने से काम नहीं चलता है। गुरु ने दिए तो बहुत